सिक्किम के एक छोटे से गांव संगमू में पैदा हुई वीरांगना हेलेन लेप्चा ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर न केवल जरूरतमंदों की मदद की बल्कि उनमें देश को आजाद कराने की अलग भी जगाई। आजाद हिंद फौज के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी के दौरान 16 जनवरी 1941 को देश छोड़ने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पठान बनकर निकलने के लिए नेताजी ने जो कपड़े पहने थे उन्हें लेप्चा ने ही तैयार किया था। नजरबंदी के दौरान देश विदेश की गुप्त सूचनाएं रोटी में रखकर हेलेन नेताजी के पास पहुंचाया करती थी। उसी संपर्क में यह योजना बनी। 14 जनवरी 1902 को जन्मी लेप्चा अपने पिता की तीसरी संतान थी। बाद में उनका परिवार सिलीगुड़ी के निकट करसियांग हिल स्टेशन पर रहने लगा। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर हेलेन ने कोलकाता जाकर चरखा चलाना सीखा और लोगों को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। 1920 में बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। यहीं पर गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात हुई और गांधी जी ने साबरमती आश्रम का न्योता दे दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनका नाम बदलकर सावित्री देवी रख दिया। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश को बनाया। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में वह डॉक्टर सरोजिनी नायडू के साथ भाग लेने गई और बाद में झरिया के कोयला मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ने लगी। उनकी लोकप्रियता देख अंग्रेजों ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो वह प्रयागराज के आनंद भवन में कुछ समय तक छिपी रही। सिलीगुड़ी में गोरखा सत्याग्रहियों के साथ स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने पर उनकी गिरफ्तारी हुई और 6 महीने तक जेल में रहने के बाद 3 साल तक गृहबंदी बनना पड़ा। देश की आजादी के बाद वह करसियांग म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की चेयरमैन चुनी गई। बंगाल सरकार ने 1958 में उन्हें पहाड़ की जनजाति मुखिया तो भारत सरकार ने 1972 में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र और पेंशन देना शुरू करके सम्मानित किया। 18 अगस्त 1982 को जनसेवा को समर्पित हेलेन लेप्चा उर्फ सावित्री देवी का निधन हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।